तो मैंने आज की वीडियो में बात कर लेना जेटी सनराइज की वीडियो आपको कैसे एडिट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो को ही दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको जो स्क्रीन में वीडियो देख रहे होंगे उस तरह की आप लोग वीडियो को एडिट करना है। तो बहुत आसान तरीका से मैं आप लोग बताऊंगा कि जेटी सनराइज की कोई वीडियो कैसे एडिटिंग कर लेना है, जो कि इंस्टाग्राम के रील पर काफ़ी वायरल है ये वीडियो। तो यार वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लेना, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसी टॉपिक को बात कर लेना जिसकी मदद से आप लोग आसानी से एडिटिंग सीख जाओगे इस तरह की वीडियो को एडिट करना। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में फिर वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सिंपली सब्सक्राइब को प्रेस कर दो, जिससे हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्दी तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन में उस वीडियो को जो अपने लोगों ने रिकॉर्ड करके रखा है उस वीडियो को एड कर लेना है। एड कर लेने के बाद सबको सबसे पहले गाना भी आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसके बाद आपको जो मटेरियल यूज होने वाला है GTA का, उसको भी सारा डाउनलोड कर लेना है। सारा मटेरियल आपको क्रोम में ब्राउजर में मिल जाएगा, सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अगर आप डायरेक्ट क्रोम में भी जाओगे और सर्च करने पर आपको सारा मटेरियल भी मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, आपको सारे वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। चलिए मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। सिंपली VN एप्लीकेशन को ओपन करूँगा और यहाँ प्लस का जो ऑप्शन है क्लिक कर लेने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन में क्लिक कर दो। और क्लिक कर लेने के बाद आपको जो वीडियो को आपको एडिट करना है उस वीडियो को आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे सबसे पहले रख लेना है। सिंपली मैं यहाँ रखा हुआ पहले से, और मैं व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट में चले जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। और ये जो मेरी वीडियो था, मैं वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से रख लेता हूँ। तो सिंपली इस वीडियो को मैंने क्लिक किया, उसको एरो का ऑप्शन में क्लिक कर दूँगा। एरो का ऑप्शन में क्लिक कर लेने के बाद जब वीडियो मेरा आ चुका है तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो बेकार सा पार्ट है उसे मुझे रिमूव कर देना है और बाकी सारे पार्ट को यहाँ पर रख लेना है। सिंपली आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर 3 सेकंड का ही वीडियो अब इसमें रखने वाला हूँ। पड़ेगा आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने लेकर रखा है, तो आपको भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। स्क्रीनशॉट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली गैलरी पे जाना है और उस वीडियो को जाना है और उस वीडियो को सबसे लास्ट वाले पार्ट में आपको जाना है और अपने वीडियो को यहाँ पर रोक देना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको पॉज कर लेता हूँ। और इसको सबसे लास्ट में चले के चलता हूँ और जो यहाँ पर जो मेरा अभी कटआउट रुक रहा है उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको यहाँ से ले लेना है। सिंपली स्क्रीनशॉट जैसे मैंने ले लिया है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको चले जाना है, आपको सिंपली चले जाना है, या तो आप चले जाओ अब जो क्रोम पे सर्च करके आप लोग remove.bg में, इसमें आपको आसानी से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कुछ में आपको रिमूव नहीं होता, आपको आज लिंक है आपको नहीं मिल रहा है, तो सिंपली आपको बैकग्राउंड इरेजर डाउनलोड कर लेना है और आप अपना जो पिक का जो बैकग्राउंड आप लोग आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो मैं इसी से आपको अपना बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। सिंपली मैं सिंपली इस पर क्लिक कर लूँगा और यहाँ से मैं अपना बैकग्राउंड को यहाँ पर रिमूव कर लूँगा। चलिए बैक कर लेता हूँ, मेरा जो फोटो है इस फोटो को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। सिंपली इस फोटो को मैंने सेलेक्ट किया है और इसका जो बैकग्राउंड को है उसे मैं इरेज कर लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ तक ही इरेज करने वाला हूँ। चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको, सबसे पहले इसको इरेज करके। तो यार जब आपका फाइनली फोटो इरेज हो जाता है तो आप लोग आगे का प्रोसेस करना है। उसके बाद फिनिशिंग का जो ऑप्शन दिख रहा होगा उसमें आपको क्लिक करके आपको जब फोटो है फिनिशिंग कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं कि जब आपका जो बैकग्राउंड है पूरा हट चुका है। उसके बाद आपको पिकआउट को ओपन करना है। आपके कार्ड में क्लिक कर लेने के बाद आपका जो बैकग्राउंड था GTA का, सबसे पहले आपको उस बैकग्राउंड को ही सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि बैकग्राउंड को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, बैकग्राउंड को जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो आपको 9:16 रेशियो में आपको करना है। और रेशियो आपको नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना होगा, आपको क्रॉप ऑप्शन में चले जाना है और आपको जाएंगे और वहाँ आपको मिल जाएगा स्टोरी का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करके आप लोगों को यहाँ सेट कर लेना। तो वही 9:16 का रेशियो है। उसके बाद सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको 8 फोटो में चले जाना है और आपका जो फोटो था उस फोटो को आपको ऐड करना था। सिंपली मैं उस फोटो को सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उस फोटो को मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद जो अपने जो एडजस्ट कर लेना है आपको, जितना आपको जिस हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है पिक को। तो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, हल्का जूम कर लेता हूँ। और जूम कर लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं सिंपली जो मेरा फोटो है वो फाइनली एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको जो ग्रेन का जो था उसका आपको यहाँ पर ही लाना है, उससे जो टाइटल को आपको लेके आना। तो सिंपली मैंने इसको भी डाउनलोड किया हुआ था, सबसे पहले ही मैंने आप लोग को बोल दिया था सारा मेटर को डाउनलोड करके रखो जिसको आपको आसानी होगी एडिटिंग करने का। सिंपली मैं गैलरी पे चले जाता हूँ और गैलरी पे चले जाने के बाद जो मैंने डाउनलोड का जो ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन मुझे वो मिल जाएगा। तो सिंपली मुझे मिल चुका है और मैं यहाँ पर एड कर लेता हूँ। और एड कर लेने के बाद सिंपली सबसे राइट साइड के कॉर्नर में मैं यहाँ सबसे पहले से एड करके यहाँ पर रख लेता हूँ। या फिर कहीं पर भी आप लोग जहाँ सूटेबल लगता है आप लोग वहाँ पर ही रख सकते हो। तो सिंपली मैं इस साइड ही रख लेता हूँ। तो सिंपली उस साइड रखने के बाद आपको जो टिक का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, हर चीज़ सेट करने के बाद कुछ टिक का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा उसमें टिक कर दोगे। सिंपली टिक कर लेने के बाद जो आपका फोटो है पूरा सेट हो चुका है। आपको
क्या करना पड़ेगा, आपको इफेक्ट के ऑप्शन में जाना है, इफेक्ट के ऑप्शन में चले जाना है। तो इफेक्ट के ऑप्शन में चले जाने के बाद आपको काफ़ी सारे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली इफेक्ट के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो मैजिक ऑप्शन चले जाने के बाद आपको जो वहाँ पर लगता है सूटेबल उससे इफेक्ट को ऐड कर लें। तो सिंपली मैं उस इफेक्ट को ही ऐड कर लेता हूँ, जो सोयल वाले जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को यहाँ पर यूज करूँगा। सिंपली सोयल वाले जैसे कि इफेक्ट मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप लोग देख सकते जो मुझे इफेक्ट है कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले आपको इफेक्ट को एडजस्ट कर लेना। सिंपली मैं इसे फेड आउट जो है मेरे एडजस्ट कर लेता हूँ। सिंपली आपको मल्टीपल में चले जाता हूँ, मल्टीपल में जाने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले एडजस्ट कर लेता हूँ और काफ़ी सारे इफेक्ट है। तो मैं सबसे पहले इसको एडजस्ट करके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। फिर फाइनली लोग देख सकते हो जो सॉइल इफेक्ट में जाने के बाद जो मेरे काफ़ी जो इंटरेस्टिंग लग रहा है, फोटो काफ़ी कूल लग रहा है GTA का। तो सिंपली क्लिक कर लेने के बाद आपको सारे जो काम है पूरा हो चुका है, सेकंड स्टेप आपको पूरा हो चुका है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना, सबसे पहले आपको वीडियो को शूट करके आपको यहाँ पर एडिट करके रख लेना है। उसका क्या करना है, आपको यहाँ सबसे पहले फोटो को एडिट करना है आपको कुछ इस तरह का है। उसके थर्ड स्टेप चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ VN एप्लीकेशन में चले जाना है और VN में सबसे पहले आपको एड कर लेना है। तो VN में एड कर लेने के बाद आपको सारा प्रोसेस वहाँ VN एप्लीकेशन में होगा, पर उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले पिक कार्ड फोटो को एडिट कर लेना। चलिए मैं एडिट कर लिया। एडिट कर लेना, सबसे पहले VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था यार सॉन्ग को भी डाउनलोड कर लेना, तो सॉन्ग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली स्किप क्वेश्चन में क्लिक करो। काफ़ी दिन से आप लोग यूज कर रहे होंगे इस एप्लीकेशन को, इस एप्लीकेशन से आपको आसानी होगा, बहुत आसानी होगा वीडियो को एडिटिंग करने में। तो सिंपली आपको प्लस के ऑप्शन में क्लिक कर लो और न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन में क्लिक कर दो। और न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जो आपका वीडियो था उस वीडियो को सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। सिंपली मैं उस वीडियो को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली मेरा जो वीडियो था वो मैंने यहाँ पर व्हाट्सअप पे था, तो मैं व्हाट्सअप में चले जाता हूँ और व्हाट्सअप में जाने के बाद जो मेरा वीडियो था उस वीडियो को मैं यहाँ पर एड कर लेता हूँ। सिंपली मैं जो 6 सेकंड का वीडियो है उस 6 सेकंड के वीडियो को मैं यहाँ से एड कर लेता हूँ। एरो के ऑप्शन में क्लिक करोगे आपका वीडियो एड हो जाएगा। तो सिंपली वीडियो को एड कर लेने के बाद देखो यह जो सॉन्ग है वो 5 सेकंड का आ रहा है। तो सिंपली आपको जो वीडियो का जो टाइमिंग रखना है वो मिनिमम 3 सेकंड का ही रखना है। तो सिंपली मैं 3 सेकंड का रखने के बाद बाकी के जो पार्ट है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। उससे पहले जो जो बाद में आ रहा है जो टाइटल देखने को आ रहा होगा उसको यहाँ पर टाइटल से हटा देना। सिंपली क्लिक करो और यहाँ से डिलीट करो। उसके बाद यहाँ पर प्लस का ऑप्शन में क्लिक करो और जो फोटो का आप लोगों ने एडिट किया था उस फोटो का आपको यहाँ पर रख लेना। तो सिंपली मैंने इस फोटो का यहाँ पर एडिट किया रखा है और GTA Vice City का, तो यार सिंपली मैं इस फोटो को यहाँ पर रख लेता हूँ और सिंपली बैक कर लेता हूँ और एरो के ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। जैसे एरो के ऑप्शन में क्लिक किया मैंने तो जैसे सकते हैं कि वो मेरा फोटो है वो मेरा फोटो आ चुका है। सबसे पहले मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ क्रॉप करके कि जो मेरा सेट कर जाए। तो सिंपली मैं 9:16 रेशियो में मेरा सेट हो चुका है। फाइनली यहाँ पर सेट हो चुका है। सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा एरो ऑप्शन में और यहाँ फाइनली यहाँ पर सेट हो चुका है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सॉन्ग का जो ऑप्शन है सॉन्ग का ऑप्शन में क्लिक कर लेने के बाद आपको सॉन्ग को ऐड कर लेना है। म्यूजिक ऑप्शन में क्लिक करो और उस सॉन्ग को आपको ऐड कर लेना है। सिंपली यह सॉन्ग मेरा आ चुका है। उसके बाद चॉइस ऑप्शन क्लिक करके जो आपका राइट साइड में टिक का जो ऑप्शन दिख रहा होगा उस टिक के ऑप्शन में क्लिक कर दो, आपका सॉन्ग यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो सिंपली देख सकते हैं जो सॉन्ग था 5 सेकंड का और जो वीडियो है वो वीडियो आपका हो जा रहा है 10 सेकंड का। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको आप लोग देखना है और वीडियो किस टाइमिंग में आ रहा है और किस टाइमिंग वहाँ पर सॉन्ग आ रहा है, उस टाइमिंग में आपको वीडियो को यहाँ पर कट एंड क्रॉप कर लेना। सिंपली मैं कर लेता हूँ, उसके आगे का प्रोसेस आपको लोगों को बताता हूँ। तो यार आप लोग फाइनली देख सकते हैं कि जो मेरे वीडियो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं कोई इफेक्ट देना चाहता हूँ तो इसमें इफेक्ट भी दे सकता हूँ, पर मुझे इफेक्ट की जरूरत नहीं है, मुझे इफेक्ट नहीं देना है। उसके बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा, आपको जो ट्रांजेक्शन यूज करना है क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ वीडियो आ रहा है तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन यूज करना है, तो कौन सा कभी आपको ट्रांजेक्शन यहाँ से ले लेना। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और जब इफेक्ट के ऑप्शन में जाऊँगा और जो ट्रांजेक्शन है मैं इस ट्रांजेक्शन को ले लूँगा। सिंपली मैं इस ट्रांजेक्शन को ही ले लेता हूँ। ये ट्रांजेक्शन थोड़ा सूटेबल लग रहा है और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, तो इस ट्रांजेक्शन को ही मैं यहाँ से ले लेता हूँ। सिंपली टिक का जो ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा और ये मेरा इफेक्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो सिंपली देख सकते हैं जैसे कि मैंने ऐसे इफेक्ट आ चुका है, इफेक्ट के साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं जो काफ़ी कूल और काफ़ी फंकी लग रहा है GTA सनराइज का जो आप लोग एक करेक्टर लग रहा है इसमें। तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं आया वाया फिर से यहाँ किया। तो सिंपली मैं सबसे पहले इसको हल्का सा जूम कर लेता हूँ क्योंकि हल्का सा छोटा लग रहा है, तो इसमें हल्का सा मैं यहाँ पर 9:16 रेशियो में हल्का सा यहाँ से जूम कर लेता हूँ। सिंपली क्लिक करूँगा और आप लोग सिंपली देख सकते हैं ये मेरा काफ़ी कूल है, एकदम काफ़ी लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ तो एडिट किया है इस वीडियो में। तो आप लोग सिंपली जैसे बहुत ही छोटा सा वीडियो था और बहुत इंटरेस्टिंग था, जैसे कि आप लोगों ने देखा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सारे इसके मटेरियल को आपको जो यूज करने वाले सबसे पहले सब बना के रख लो। पहले एक वीडियो बना लेना 5 सेकंड का, उसके बाद आपको जो बैकग्राउंड चाहिए आपको फोटो इरेज कर लेना है आपको स्क्रीन शॉट को मार के दूसरा स्टेप में। उसके बाद आपको सॉन्ग को एड करो, सॉन्ग को एड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर पिक कट में सबसे पहले फोटो को एडिट कर लो GTA का। उसके बाद यहाँ पर हो जाता है एडिट, उसके बाद आप लोग यहाँ पर VN एप्लीकेशन में जाओ और VN एप्लीकेशन से आसानी से इसको एडिट कर लूँ। और एडिट कर लेने के बाद आप सिंपली यार एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, सिंपली मैं सबसे पहले इसे फोटो के यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि यार बाकी का पार्ट मुझे क्या कर मुझे नहीं रखना। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्रॉप कर लिया।
क्रॉप का रहने वाला एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है क्लिक कर देना और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। अगर आप लोग चाहते हैं कोई इफेक्ट को यूज करना, कोई फिल्टर को यूज फिल्टर करना, में क्लिक सेम। करो और काफ़ी सारे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग कोई सा भी इफेक्ट यहाँ पर ले सकते हो। तो मुझे इफेक्ट की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, तो मैं इस कोई भी फिल्टर यहाँ पर नहीं लूँगा। तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ पर वीडियो बन के रेडी हो चुका है, और एक्सपोर्ट का ऑप्शन क्लिक करूँगा और अब हाई रेजोल्यूशन में यहाँ पर जाकर यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लूँगा, या तो 4K या फिर 10K, जैसे चाहूँगा मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लूँगा। तो यार वीडियो बहुत ही छोटी सी थी, इंटरेस्टिंग थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्दी आप तक पहुंच सके। नीचे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम को, तो उसमें जाकर मुझे फॉलो कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली वहाँ से DM कर सकते हो मुझे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।